नमस्कार, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे ग्राउंड नेट क्रॉप को यानी मूंगफली की खेती को। अगर आपने इससे पहले हमने 8 पार्ट बना चुके हैं अलग अलग क्रॉप के, नहीं देखे तो लिंक मिलेगा आपको नीचे, देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मूंगफली की खेती यानी कि ग्राउंड नट की क्रॉप। ये एक मुख्य भारत की जो है मुख्य एक ऑयल सीड क्रॉप है। ऑयल सीड क्रॉप का मतलब है एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल उस क्रॉप को बोलते हैं जिससे हमें तेल मिलता है, ठीक है। और दलहनी फसल उसको बोलते हैं जिसको जो है दाल के लिए उगाया जाता है। तो जो मूंगफली है इसे तेल के लिए उगाया जाता है और भारत में तिल और मूंगफली का तेल प्रमुखता से खाया जाता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल खाया जाता है, जो खाद्य तेल होता है, वो खाया जाता है सोयाबीन का, ठीक है। तो पूरे अगर विश्व में पूछे तो सोयाबीन होता है। सोयाबीन जो है एक तिलहनी और एक दलहनी फसल भी है, ठीक है। हमेशा कहते हैं स्टार्ट करते हैं इसके बॉटनिकल नेम से। तो बॉटनिकल नेम इसका है एरिकस हाइपोजिया। क्या होता है एरिकस हाइपोजिया? यहाँ पे हाइपोजिया का मतलब होता है नीचे। आपको होता है कि जो मूंगफली होती है, मूंगफली में जो फली लगती है वो हमेशा ज़मीन के नीचे लगती है, मिट्टी के अंदर लगती है, इसलिए यहाँ पे हाइपोजिया का मतलब अंदर से है। तो एरिकस हाइपोजिया इसका जो है बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात की जाए, जितने भी दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं सभी की जो फैमिली होती है वो लेग्यूमिनेसी होती हैं, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल की ये फैमिली होती हैं, प्लांट होते हैं। अगर ओरिजिन की बात किया जाए तो जो मूंगफली है उसका जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है, वो ब्राज़ील को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्राज़ील को माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ माना गया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूंगफली की खेती में जो है वो 2n = 40 होते हैं। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो ये 20 हैप्लॉइड, इसमें अगुणित गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। और डिप्लॉइड कितने होते हैं? 40 होते हैं। अगर इसमें फूड टाइप यानी फल किस प्रकार का ये फल है, तो ये फली टाइप का फल होता है। पॉड मतलब फली होता है। आपने देखा होगा कि जो मूंगफली होती है उसमें जो बीज रहता है वो फली के अंदर रहता है। जितने भी अधिकतर जो दाल वाली फसलें होती हैं या फिर तिलहनी फसलें होती हैं तेल वाली, उनमें फल का जो प्रकार होता है वो सभी में क्या होता है? पॉड ही होता है। अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए, इसमें क्या क्यों हम इसको खाते हैं, तो क्योंकि ये एक मुख्य रूप से तिलहनी फसल है, तेल के लिए उगाई जाती है, तो इसमें प्रमुखता से तेल पाया जाता है इसमें मूंगफली में। और कितना तेल मिलता है, यानी इसमें मिलता है करीब करीब 48 से लेकर 55% तक जो है इसमें तेल पाया जाता है। और अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा भी इसमें होती है, जो होती है कितनी, 27%, ठीक है। अगर अब बात करें इसमें कुछ खास बातों की, इम्पोर्टेंट पॉइंट की, महत्वपूर्ण बिंदु सोयाबीन के बारे में, तो ये मूंगफली एक मुख्य रूप से जो है एक ऑयल सीड क्रॉप होती है, एक तिलहनी फसल होती है। ऑयल सीड क्रॉप का मतलब होता है वो फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, उनको ऑयल सीड क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि सूरजमुखी का तेल, ये नारियल एक ऑयल सीड क्रॉप है। इसके अलावा कई तरह की जो सोयाबीन है वो भी है, मस्टर्ड है, यानी मस्टर्ड जिसे मस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, मूंगफली व तिल भारत की मुख्य तिलहनी फसलें हैं, यानी भारत में जो मुख्यतः तेल खाया जाता है वो मुख्यतः तिल और इसका किसका तिल और मूंगफली का तेल खाया जाता है। सरसों का भी खाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल जो है वो जिस फसल का खाया जाता है वो है सोयाबीन। पूरे विश्व में सबसे मुख्य तिलहनी फसल जो है वो सोयाबीन ही है। अगर बात करूँ भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो है गुजरात। सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में वो गुजरात में ही होता है। अगर मैं उत्पादकता की बात करूँ, प्रोडक्टिविटी की, तो पूरे भारत में सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है सर? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर भूमि में कहाँ ज़्यादा मूंगफली पैदा होती है, तो वो कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। अगर पूरे विश्व की बात करो तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल इसका मूंगफली का उत्पादन जो है वो चाइना में होता है। सेकंड नंबर पे भारत है प्रोडक्शन के मामले में चाइना, लेकिन एरिया के मामले में कहाँ है, कौन है? भारत है। प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा
मूंगफली का उत्पादन चाइना में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, वो होती है कहाँ, भारत में। तो एरिया के मामले में भारत और प्रोडक्शन के मामले में चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूँ तो मूंगफली एक जो है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, एक स्वपरागित जो है एक फसल होती है। और ये एक कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ की क्रॉप है। आप सभी को पता है कि खरीफ की जितनी भी क्रॉपें होती हैं वो करीब करीब जून से लेकर जुलाई के आसपास जो है बोई जाती हैं। मूंगफली में पोपिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि कैल्शियम, कभी आपने ऐसी मूंगफली खाई होगी कि आपको फली तो आपने तोड़ी लेकिन उसके अंदर कोई बीज नहीं रहता, या बीज रहता भी जो सीड रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, तो ऐसा कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को पोपिंग कहा जाता है। तो कैल्शियम की कमी से मूंगफली की पॉड यानी फली में जो है दाना नहीं बनता, या दाना ठीक से डेवलप नहीं होता, छोटा ही रहता है। इस प्रोसेस को पोपिंग कहा जाता है, पोपिंग कहा जाता है। कई बार एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे कि पोपिंग किसकी कमी से होता है मूंगफली में, आप बता देना कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्या होता है इसमें, जो फली होती है उसमें दाना नहीं बन पाता, ठीक है। आगे बात करो कि जो ये मूंगफली है इसे तिलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है। जो मूंगफली होता है दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, किसे कहा जाता है, मूंगफली कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है, या आप मुझे, आपके लिए HW आज का, मुझे कमेंट करके बताओ तुरंत, ठीक है। अनाज वाली फसलों का राजा किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप, ये मैंने आपको करा रखा है। अगर मैं बात करूँ वेराइटीज़ की, कौन कौन सी किस्में मिलती हैं मूंगफली की, तो बहुत सारी किस्में हैं, जैसे जूनागढ़ सेकेंड, TMV2, मल्लिका सेरावत मत समझ लेना है, मल्लिका एक फसल किस्म का नाम है, चंद्रा ये भी एक किस्म है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोगों की, किस किस तरह के रोग जो है मूंगफली में होते हैं, मूंगफली में कई तरह के रोग हैं। सबसे फेमस रोग जो है मूंगफली का वो है टिक्का रोग, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि टिक्का रोग किस में होता है, तो टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है। किसकी वजह से होता है, एक फंगी होता है, फंगी की वजह से होता है। क्या होता है इसमें, पत्तियों में ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ने लगते हैं। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार जो है किसी कवकनाशी का उपयोग करके, फंगीसाइड का उपयोग करके इसको रोका जा सकता है। तो टिक्का ध्यान रखना, टिक्का रोग, टिक्की नहीं बोल रहा मैं, टिक्का रोग जो है वो मूंगफली का एक फेमस रोग है, जो कवक की वजह से होता है। एक और रोग होता है एफ्लाटॉक्सिन, क्या होता है एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, ये फंगी के द्वारा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कभी मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली खाने पे एक जो सीड होता है उसको कभी हमारे टेस्ट उसका एकदम कड़वा सा लगता है, पूरा मूड ख़राब कर देता है। तो जो मूड ख़राब करता है वो एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है, उस जो सीड का जो टेस्ट है वो अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको एफ्लाट, ये भी एक फंगी की वजह से होता है। ऐसा तब होता है कि जब हम कहीं कभी जो है मूंगफली को जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम या जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से होता है, वहाँ पे फंगी साइड जो है उसमें जनरेट हो जाता है, उसमें जो है कवक पनपने लगते हैं। और एक होता है रोस्टी डिजीज़ भी होता है एक मूंगफली में, जो कि वायरस की वजह से होता है। और एक जो है नेक्रोसिस डिजीज़ होता है, ये भी मूंगफली में वायरस की वजह से ही होता है। आज के लिए बस इतना ही है, ये आपके लिए आज का HW है कि अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।